है, मतलब अब तुम लोग उसमें हेल्दी ऑप्शन ट्राई करोगे या क्या करोगे, चीज एंड ऑल सब डलवा दोगे उसमें? नहीं मतलब उस मतलब मैंने बोला है कि वो हेल्दी ऑप्शन के जैसे ही होता है ना साउथ इंडियन फूड, अब उसमें तुम लोग चीज मसाला और क्या क्या सब वो सब डलवा दोगे। हाँ चलो क्लियर है। सो अकॉर्डिंगली जैसे क्वेश्चन था हमने वैसे ही किया है सम को, बट आइडियली ये होना चाहिए था कि इन्होंने दोनों ग्राफ जो है, एक डेंसिटी वाला वो मैंने दिखा दिया कैसे करना है, दिखाया था ना डेंसिटी वाला, ये वाला लाइंस डेंसिटी आइडियली ये होना चाहिए। इसको एक बार के लिए आई एम जस्ट मार्किंग इट, एंड उसके बाद डी एल नॉर्म होना चाहिए रादर देन पी एल नॉर्म। गॉट इट? ये हो गया। अब अपने करते हैं इसका पार्ट थ्री, पेस्ट एक बार में करेंगे फिर अगर नहीं किया अभी तक। और लेट्स डू वन थिंग, पेस्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया अभी तक में, है ना। फिर अपने क्या करेंगे, पार्ट थ्री ऑनवर्ड्स खाली रन करेंगे, पूरा रन नहीं करेंगे हटा के। तो क्लियर है मेरा कंसोल भी, तो इसको क्विक रन कर देते। एंड फर्स्ट थिंग क्विकली लेट्स पेस्ट दिस। व्हाट आइडियली आई वुड हैव डन, एक बार देख लो, आई वुड हैव रिकॉर्डिंग इज ऑन राइट, आई वुड हैव रिमूव्ड ऑल द प्लॉट्स फर्स्ट। ठीक है, अब इसका भी पूरा एक बार में नहीं होता क्या? पूरा एक बार, अच्छा ये वाला ब्रूम स्टिक से होता है। पूरा मैंने खाली कर दिया, इधर खाली कर दिया, ठीक है। अब दोबारा कंट्रोल ए पूरा सिलेक्ट किया, जस्ट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एंड रन। सो अब आपका प्लॉट भी जो जो चाहिए वही आया है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आया बीच में, हमने रन किया था ना वाइल लिम एक्स लिम के लिए। एंड आपका कंसोल भी पूरा साथ में है। सो वील कॉपी फर्स्ट देन, मतलब ये सब मुझे लगता है कि सेव्स योर टाइम, क्योंकि देखो 1 आवर 45, 1 आवर 50 मिनट्स में 10 मिनट्स टू फाइल डाउनलोडिंग, ओपनिंग, अनजिपिंग, अपलोडिंग एंड ऑल दोज में चला जाता है। 5 भी नहीं, 10 मिनट और 5 मिनट चलो मान लो चला जाएगा, फिर 5 मिनट आप गो थ्रू करोगे। सो 1 आवर 35 मिनट्स के अराउंड बचता है, 1 आवर 45 मिनट्स के अराउंड बचता है आपका। तो उसमें आप जितना भी टाइम सेव कर पाओ इट्स गुड ओनली। तो अब इसको अपने, आई विल ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन फ्रॉम अ फ्रेश पेज, अगेन नॉट नेसेसरी, बट क्यों मैं बता रही हूँ सब छोटे चीजें, बिकॉज आप अपना पेपर खुद से नहीं चेक करते हो, मैं मॉक चेक करती हूँ। सो आई नो दिस दैट मेरे को कभी कभी, हम लोग को क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट नहीं करते, सेकंड पार्ट से स्टार्ट करें या उस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नहीं किया, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर एन एग्जामिनर टू फॉलो कि भाई ये क्वेश्चन कब खत्म हुआ। एंड दूसरा, बहुत बार तो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है एंड पता ही नहीं चलता। तो इट्स ऑलवेज बेटर व्हेन आई एम फॉलोइंग एंड आई एम सी अ गैप एंड देन अ न्यू पेज, तो मुझे समझ में आ जाएगा ओके दे हैव स्टार्टेड अ न्यू क्वेश्चन। सो एनीथिंग व्हिच इजेस योर एग्जामिनर, आप समझो दे विल गिव यू 1 एक्स्ट्रा मार्क्स। मतलब आइडियली ये बहुत इम्पैक्ट नहीं करता है ये चीज ऑब्वियसली इन योर प्रोफेशनल एग्जाम्स, बट टू सम एक्सटेंट वो करता है राइट। ये हो गया। अगेन इसको पूरे को मैं जस्ट 11 कर रही हूँ, आप लोग 12 भी कर सकते हो। एंड देन लेट्स क्विकली गो एंड पेस्ट। हम लोग का, अरे मेरे को अभी थोड़ा हो गया ऐसा कि मेरे को चाहिए होता है लंच के बाद पास पास हाजमोला, मजा आते हैं सब खाने में। चलो एनीवेज इसको कॉपी करो, ये कहाँ पेस्ट होना है, एकदम लास्ट में करो। तुम लोग पेस्ट किया, पेस्ट भी कर लिया, अरे वाह वेरी गुड। ठीक है ये हुआ, ये वाला भी कर लेंगे, आप लोग कर लेना। ये वाला आपका पेस्ट होगा 1 पार्ट, मतलब 2 पार्ट C के नीचे, ठीक है। देन ये वाला पेस्ट होगा 1 पार्ट C 2 के नीचे, एंड ये वाला C 1 के नीचे, और ये वाला आपका 1 पार्ट B के नीचे। तो अब इससे एक और चीज क्या हुआ, आपको पता है आपने सारे प्लॉट्स प्लॉट कर दिए क्योंकि हमने इसको हटाया था यहां से, क्लियर किया था, कंसोल भी क्लियर किया था।
This is how it becomes easier, and you know you have pasted all the plots. And you should also keep a check by making this, highlighting this places, okay? Understood? Next question mein jaye. Clear? Chalo. So Pareto distribution is one for which there is no inbuilt package, no inbuilt functions. The probability distribution Pareto ka diya hua hai. Hum log table book se bhi dekh sakte the. Write down the R code for a function to simulate variables from the Pareto distribution, denoting it R Pareto, and paste your coding into your answer. Karo chalo. Acha, question number de diya. To iska पार्ट ए करेंगे. बोलो, आर परेटो इज द नेम ऑफ द पैकेज, नेम ऑफ द फंक्शन, सॉरी, दैट वील क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शन. अब इसके अंदर अपने को क्या क्या, अच्छा ये अपना पीडीएफ है, अपने लेंगे सीडीएफ, याद है एफ क्या किया था क्लास में हमने, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एफ एक्स इक्वल्स यू, यू इज एनी रैंडम नंबर फ्रॉम यूनिफॉर्म 0,1. तो ऑब्वियसली जब आप सीडीएफ रन करते हो, सीडीएफ नीड्स टू बी बिटवीन 0 एंड 1. पीडीएफ का जरूरी नहीं ऐसा हो, पीडीएफ कैन बी ग्रेटर देन 1 एज वेल, ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी नेगेटिव. ये हो गया, अब इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स यू इक्वल्स एक्स. तो एक बार पीडीएफ बताना क्या है, परेटो का पीडीएफ क्या होता है, सॉरी सीडीएफ, अनम्यूट करके बोलो क्या होगा, क्विकली कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है. वन बाय लैम्डा प्लस एक्स, वन बाय वन लैम्डा प्लस एक्स, क्या बोला, वन माइनस लैम्डा बाय लैम्डा बाय लैम्डा प्लस एक्स होल टू द पावर अल्फा, दिस इज इक्वल टू यू, 1 माइनस यू, करो ना लिख लो फटाफट पेन पेपर पे, 1 माइनस यू होल टू द पावर 1 बाय अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा, करो ना तुम पेन पेपर पे करो ना, सही बोल रहे हम, 1 माइनस यू होल टू द पावर 1 बाय अल्फा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय लैम्डा प्लस एक्स. तो वो 1 बाय इनवर्स कर दो इनटू लैम्डा एंड माइनस लैम्डा, तो लैम्डा कॉमन आ जाएगा. पेन पेपर पे करूं अगर, अब अपने को सबसे पहले तो इसमें क्या क्या इनपुट चाहिए, कि कितना नंबर ऑफ सिमुलेशंस हम लोगों को करना है, एन आर पर ए टू, अगर तुम लोग आर ई एक्स पी देखो पहले क्या डालते हैं अपने, कितना नंबर सिमुलेशन चाहिए फिर लैम्डा. तो यहां हम लोग का दो, हम लोग के दो वेरिएबल्स होंगे, दो पैरामीटर्स होंगे, अल्फा एंड लैम्डा, हो गया. अब योर सिमुलेशन इज स्ट्रेट अवे, वन माइनस यू, यू के बदले स्ट्रेट अवे आर यूनिफ लिखो, या यू पहले निकाल के, इट्स द सेम थिंग एन. हाँ बोलो, मिस लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के समरी पार्ट में लाइक द कोड इज डायरेक्टली गिवन, तो हम एग्जाम के वो ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं for R Pareto and all the other functions. नहीं, ये सारी चीजें नहीं कर सकते आप एग्जाम में, ये होगा क्या, एक बार प्लीज वेरीफाई, इधर खाली आएगा एक वन माइनस आ जाएगा क्योंकि एलसीएम ले लिया, एक बार प्लीज वेरीफाई कर लो यही है कि नहीं. एंड आपको, हाँ करो करो, तुम करो,
धीरे से करना। और आउटपुट आ गया अपना आरपी, ठीक है। इसको रन, अगर तुम लोग स्ट्रेट अवे ये वाला पार्ट लिख दोगे, एक ही बात है, मैंने आरपी करके किया है, तो इसको रन कर दो। अब अगेन आंसर्स फॉर अस विल नॉट मैच बिकॉज आर यूनिफ के पहले वी हैव नॉट गिवन एनी सीड वैल्यू, ठीक है। सो इट्स फाइन, आप नीचे देखे कर सकते हो। हाँ कैसे बोल, उसमें हम लोग 1 माइनस नहीं किए होंगे, एक ही बात है ना, कॉमन ले लिया है, एकदम सेम है वो भी, तुम देखो एक बार, डिफरेंट कैसे हो सकता है। स्टार्टिंग में हम लोग इसमें लैम्डा बाय किए, क्योंकि लैम्डा बाय किए यहां मैंने 1 माइनस लिया, वहां नहीं लिया, -1/अल्फा है ना। जैसे भी तुम इंटर चेंज करो वहां वैसे किया होगा, इनवर्स नहीं लगा के डायरेक्टली किया होगा। सो लैम्डा, हाँ लैम्डा बाय 1 माइनस आर यूनिफ होल टू दी पावर 1/अल्फा माइनस लैम्डा, वैसे किए होंगे, एक ही बात है, इट्स द सेम थिंग ओनली। अब नेक्स्ट पार्ट बोल रहे हैं, सिमुलेट आर परेटो यूजिंग आर परेटो 1000 वैल्यूज, अल्फा लैम्डा का वैल्यूज दे दिए, असाइनिंग इट इन एल, अगेन मिस्टेक है, सो दिस अभी के लिए लेट्स गिव दिस ओनली, बट आइडियली इट शुड बी डिफरेंट, बट यू कैन नॉट चेंज ना, यू कैन नॉट मेक योर ओन, एंड कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस बेस्ड द रिजल्ट्स ऑफ योर कैलकुलेशन। नाउ अगेन सिंस नो सीड इज गिवन, सो यू कैन टेक अ सीड एंड मेंशन इट इन साइड की सीड वैल्यू लिया है हमने, एंड इसमें आप डाल दोगे एल नॉर्म में, ऑल्दो थोड़ा गलत है ये नाम, एंड देन एन में लिखेंगे 1000, अल्फा में क्या दिया इन्होंने, अल्फा इक्वल्स 3 एंड लैम्डा इक्वल्स 1, इसको रन कर दो। अगेन यू कैन मे बी टेक अ हेड ऑफ इट, अब अगेन वही हो गया ना कि ऊपर में भी तो एल नॉर्म था। अच्छा एक जगह कैपिटल वी, एक जगह मैंने स्मॉल वी ले लिया, इधर कैपिटल वी है, हाँ उधर भी कैपिटल वी था, मैंने नहीं लिया था। एल एन ओवरराइड तो हो गई ऑब्वियसली, गलत है, चेक कर लो आंसर्स, हो सकता है इट माइट नॉट मैच व्हिच इज फाइन बिकॉज ऑफ द सीड वैल्यू एंड ऑल। सो अगेन देर इज नो ग्राफ इन दिस, सो यू कैन जस्ट स्ट्रेट अवे टेक द सल्यूशन 3 का एंड पेस्ट इट ओवर देयर। सीड वैल्यू अलग आएगा बिकॉज ये जो सीड वैल्यू है ना, आई डोंट थिंक इसका सिग्निफिकेंस है बिकॉज फंक्शन के अंदर तुम आर यूनिफ लिख रहे हो, सो आई टोल्ड यू अलग आएगा इस सीड वैल्यू का, क्योंकि फंक्शन के अंदर है ना, सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, आप फंक्शन के अंदर लेना चाहिए था सीड वैल्यू, तब उसका सिग्निफिकेंस रहता। तुम सीड वैल्यू रन की थी, यही लॉजिक है, लूप में होता है तो अलग होता है, मतलब यू गिव अ सीड वैल्यू अबव अ लूप तो सही आता है, बट व्हेन इट्स अ यूजर डिफाइंड फंक्शन उसके ऊपर आप सीड वैल्यू लिखते हो तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता, आपको सीड वैल्यू उसके अंदर लेना पड़ेगा फंक्शन के। नेक्स्ट में जाए, चलो तुम लोग पेस्ट कर दो सब लोग अच्छे से, मेंटेन अ वर्ड फाइल, एकदम एग्जाम स्टाइल से पढ़ो।
ठीक है, नेक्स्ट. अरे क्या, तब हो सकता है फिर होगा वैसा, तब इसका सिग्निफिकेंस होगा. तो तुम्हारा क्यों अलग आ रहा है फिर? तुम्हारा मेरे से सेम आ रहा है, यू नो. थ्री कॉमा 1 ही तो है ना, 0.5 एंड पॉइंट. हाँ मतलब यही आना चाहिए, 0.5 के अराउंड आना चाहिए. क्या होता है परेटो का मीन, क्या होता है अल्फा बाय? मीन है तब फिर सही है, फिर तो सीड वैल्यू का हो गया यूज. तुम ये नहीं लिया है, ये माइनस लिया, इधर इधर इनटू लैम्डा किया, पूरा इनटू -1 किया, इधर नहीं किया होगा. मैम मेरी तो सारी वैल्यूज नेगेटिव आ रही है. तो कुछ फंक्शन में राइटिंग मिस्टेक है, आर परेटो में. परेटो इज अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, यू कैन नॉट गेट नेगेटिव वैल्यूज एट ऑल. तुम्हारा भी ब्रैकेट में सही होगा. हाँ अच्छे से देखो, नेगेटिव तो एकदम नहीं आना चाहिए. और परेटो का बोलो जल्दी से, मीन क्या होता है? लैम्डा बाय लैम्डा बाय अल्फा -1. -1, तो लैम्डा हम लोग का है 1/2, 0.5 आना चाहिए मीन, समवेयर अराउंड 0.1, 0.5 वही आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. यू हैव बीन आस्क्ड टू एनालाइज द परसेंटेज चेंजेस इन द क्वार्टरली पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इन द यूएस from 1970 to 2010. This information is contained in the time series object consumption in ours FPP library. तो जैसे आयरिश डेटा सेट यूज करते थे अपने CSN में, सिमिलर FPP लाइब्रेरी में कंजम्पशन एक अपना क्या है? हाँ डेटा सेट है. सो अगेन आंसर क्या करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा. पहले पहले क्वेश्चन रीडिंग करते हैं आगे. द डेटा कैन बी लोडेड यूजिंग लाइक दिस. ठीक है, तो ये अगेन इंस्टॉल डॉट पैकेजेस देख लो, मेरे में भी आई थिंक इस वाले लैपटॉप में इट्स नॉट इंस्टॉल्ड. ठीक है, लाइब्रेरी कर दो टू लोड द पैकेज एंड देन कंजम्पशन ये रन कर दो. तो अब अगर जस्ट कंजम्पशन चेक करें रन करके, तो देखो यू हैव Q1, Q2, Q3, Q4 एंड हर ईयर. हर ईयर का क्वार्टरली डेटा है. बेसिकली हम लोग को क्या क्या चाहिए था, क्वार्टरली पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये दिया हुआ है किसमें, अनकंजम्पशन में. तो अगर हम लोग खाली एक बार
जस्ट फॉर आर रेफरेंस नॉट इन द एग्जाम अनकंजम यूएस कंजम्पशन होगा ना इसीलिए यूएस है मैंने यूएन रीड कर लिया कंजम्पशन अगर हम लोग व्यू करें तो कंजम्पशन और इनकम है कंजम्पशन इज द एक्सपेंडिचर दे आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है ना अब हम लोगों ने फर्स्ट रो ही फर्स्ट कॉलम ही एक्सट्रैक्ट किया इधर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सो वी आर ओनली डीलिंग विद द एक्सपेंडिचर पार्ट Got it? First question. Plot this time series giving the appropriate labels for each axis and paste R code. So again, इसमें simple plot function use होता है. Since, सुन लो, since this consumption is already a time series object. अगर एक normal object होता है, तो उसको पहले अपने time series में convert करते हैं. टाइम सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद प्लॉट करते हैं सिंस इट्स अ नॉर्मल और यहाँ पे इट्स अ नॉर्मल डेटा मतलब कुछ भी बोला नहीं है तो आप सिंपली प्लॉट फंक्शन यूज करके इसमें आप कंजम्पशन डालो क्योंकि आपने ऑलरेडी ये सारे वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर लिए क्योंकि ये टाइम सीरीज फॉर्मेट में ये टाइम सीरीज ऑब्जेक्ट है ऐसे ही स्टोर होता है टाइम सीरीज में ऑब्जेक्ट में अनकंजम्पशन ऑब्जेक्ट है ना टाइम सीरीज का हाँ लिखा हुआ है देखो क्वेश्चन में ये एक बार रन करो आया टाइटल दे दो खाली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एकदम सही है टाइटल दे देंगे क्वार्टरली वाइज है क्वार्टरली वाइज है मैच थोड़ी करना है ये 1970 का क्वार्टर वन का डेटा है तुमको अगर और थोड़ा सर्च करना है इधर जाओ यूएस कंजम्पशन में सर्च करो देखो एक बार ये रीड करो क्या लिखा है Percentage changes in the quarterly personal consumption expenditure and disposable income. तो ये basically क्या दे रखा है क्योंकि points में है So this is percentage change basically which is given. And it's a time series object. और time series object is ऐसे ही तो दिखता है Years और quarters wise. या खाली years होता है तो खाली years. Years and months. उससे फर्क नहीं पड़ता तभी अलग अलग extract करना पड़ेगा ठीक है अलग अलग एक्सट्रैक्ट करने से ही समझ में आएगा चेंजेस इन पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ठीक है Plot ACF, autocorrelation function and PACF giving appropriate labels to each axis and paste the code again. Again, simply we'll use the function ACF. Function ka naam hota hai ACF which directly gives you the plot. So ACF and you directly write consumption jisko jo bhi plot karna hai aapko. Bas isme ek cheez hai, isko run karo. Again, give a nice title. क्या होगा Just ACF. ACF of लिख सकते हो but ACF भी चलेगा ठीक है ACF plot हो गया आपका Plot equals false लिखते हैं तो plot नहीं होता ACF के values आते हैं न्यूमेरिक देखो प्लॉट फॉल्स लिखोगे बाय डिफॉल्ट ट्रू है फॉल्स लिखने से इधर पे
आपका वैल्यूज आ जाएगा. नेक्स्ट इज PACF, इसी का पार्ट है, इसी क्वेश्चन का. PACF लिखना है खाली. ओ ये गलत हो गया ना, ये ACF है, ये PACF है. क्या समझ में आ रहा है ACF देख के? ACF कट ऑफ हो रहा है क्या? ब्लू लाइन्स के तो बीच में ही है, बाकी सारा कब कट ऑफ हो रहा है? 1, 2, 3 के बाद लैग जीरो वाला थोड़ी देखते हैं. ये लैग जीरो है एक्चुअली, वो लैग नहीं, वो क्वार्टर है ना, इसीलिए 1, 2, 3 टाइम इयर्स है. Q1, Q2, Q3, Q4 ये पूरा एक साल हो गया, समझा? तो फोर्थ क्वार्टर के बाद, मतलब एक साल के बाद आपका क्या हो रहा है? कट ऑफ हो रहा है. और PACF का बताओ, PACF भी कट ऑफ एक्चुअली बोल सकते हैं, हो रहा है. ये है ना तुम लोग का PACF थर्ड क्वार्टर के बाद. क्या रहे? वो नहीं, वो इसमें पता चल रहा है, लैपटॉप में नहीं है वो, इसमें प्रोजेक्टर में लग रहा है. लैपटॉप में एकदम सही है. देख लो जूम करके, वो इसमें लग रहा है, मेरे में लाइट नहीं है. तो बोलो क्या दिख रहा है आपका? ACF भी कट ऑफ हो रहा है, PACF भी कट ऑफ हो रहा है. तो दोनों जब कट ऑफ होता है तो उसका क्या मतलब है? क्या बोल सकते हैं? MA या AR के बारे में कुछ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि दोनों ही तो कट ऑफ हो रहे हैं. इट्स अ सैंपल, जरूरी नहीं आपका ARMA तो अर्मा प्रोसेस फिट इन होगा ना इधर. जब दोनों ही कट ऑफ होता है या दोनों ही डीके हो रहा है, तो या तो आपका AR भी नहीं है, खाली MA भी नहीं है, तो अर्मा होगा, अरिमा होगा, ARMA नहीं होगा. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क. कमेंट ऑन योर प्लॉट्स मेकिंग रेफरेंस टू दे नीड टू टॉक अबाउट स्टेशनैरिटी. ठीक है, अब स्टेशनैरिटी के केस में हम क्या देखते हैं कि आपका कोई पैटर्न नहीं हो इन PACF एंड ACF. दोनों ही कट ऑफ हो जा रहे हैं. ACF कट ऑफ हो रहा है आफ्टर लैग, अगर हम लोग मंथली देखे आफ्टर लैग 4, सॉरी क्वार्टरली देखे, एंड यहाँ पे आफ्टर लैग 3. सो देर इज अगेन नो सच पैटर्न ऑफ स्टेशनैरिटी दैट वी कैन सी यहाँ पे. और वी कैन से एक्चुअली की हाँ थ्री, नहीं नहीं ये क्वार्टर वन माना जाएगा. क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर. तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्टेशनरी है कि नहीं. देर इज नो साइन कि आपका अनइवन हो. यूजली आप ACF ऑफ रिमाइंडर्स, मतलब ACF ऑफ जो आपका एरर टर्म्स है, आप उसको प्लॉट करके देखते हो. अगर उसमें आपका कोई ट्रेंड आता है तो आप बोलते हो कि स्टेशनरी नहीं है. अगर कोई ट्रेंड नहीं है, इट्स पैटर्नलेस, ट्रेंडलेस, तो हम लोग बोलेंगे इट्स स्टेशनरी. बट इसके बाद बोलना थोड़ा मुश्किल है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ACF एंड PACF ग्राफ. बट क्योंकि सिंस दोनों ही कट ऑफ हो जा रहे हैं, हम लोग बोल सकते हैं इट्स अ स्टेशनरी. तो इन्होंने क्या लिखा है? द सीरीज अपीयर्स टू बी स्टेशनरी, देयर इज नो ऑब्वियस ट्रेंड और साइकिल, जो हम लोग को दिख रहा है. एक होता है, अच्छा आप कब बोलते हो कि स्टेशनरी नहीं है? व्हाट वर द डिफरेंट रीजंस? हमने क्या पढ़ा था? साइक्लिकलिटी, सीजनैलिटी, ये सब पढ़ा था. Do you see such kind of thing? जैसे ऐसा हो रहा है कि हर साल एक क्वार्टर में बहुत हाईएस्ट आ रहा है. नहीं, ACF आपका कट ऑफ हो जा रहा है, PACF आपका कट ऑफ हो जा रहा है. डू यू सी एनी थिंग कि आपका ना हर क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एवरी ईयर, सेकेंड
एक पैटर्न नहीं दिख रहा है. सो इट्स नॉट पैटर्नलेस, कोई साइक्लिकल मूवमेंट नहीं दिख रहा हमें, कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा हमें. सो वी कैन से इट्स अ अगेन कि ये स्टेशनरी है. द डॉटेड ब्लू लाइन्स, इसका मतलब होता है ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसके अंदर रहेगा तो आप उसको जीरो मानोगे. इंडिकेट्स द कट ऑफ फॉर सिग्निफिकेंस फॉर अ स्टेशनरी टाइम सीरीज. द एसीएफ शुड डीके टू जीरो क्विकली एंड डिस्प्ले नो साइन ऑफ ऑसिलेशन, मतलब नो साइन ऑफ पैटर्न. तो एसीएफ भी क्विकली डीके हो गया इस दो तीन के बाद. सो एसीएफ कट्स ऑफ आफ्टर लैग थ्री एंड डज नॉट कंटेन एनी पीरियोडिक ऑसिलेशन. पीएसीएफ अगेन शोज नो सिग्निफिकेंस आफ्टर लैग फोर या लैग थ्री जो भी था. अगेन दिस इंडिकेट्स स्टेशनैरिटी, मतलब स्टेशनैरिटी के लिए क्या क्या देखना है. इट शुड कट ऑफ, देयर शुड बी नो ट्रेंड, नो साइक्लिकलिटी, नो पैटर्न. तो आप बोल सकते हो जस्ट दिस ओनली यू कैन से अबाउट स्टेशनैरिटी बाय लुकिंग एट दीज टू ग्राफ. अदरवाइज वी ऑल्सो चेक द ग्राफ ऑफ एसीएफ. ऑफ ACF क्या है? ऑटो को रिलेशन दो आपस, अगर आप उसमें लैग वन लेते हो, मतलब X, Y1 एंड Y2, Y2 एंड Y3, उसका आप को रिलेशन चेक कर रहे हो, राइट? अगर कोई को रिलेशन है, कोई पैटर्न है, मतलब स्टेशनरी नहीं है. अगर पैटर्न लेस है, मतलब कोई को रिलेशन नहीं है, मतलब स्टेशनरी है. ठीक है. उसको मानेंगे तुम, हम मैंने क्या बोला, इफ वर्किंग इन क्वार्टर्स, ये चीज मैंने बोल दिया शुरू में. तुम थ्री क्वार्टर्स ऐसे से बोलो ना. तो ये कमेंट था, पूरा कमेंट अगेन तुम लोग वर्ड में भी लिख सकते हो या तुम लोग हैश देके, बट एक हैश दोगे तो मेक श्योर एक लंबा लाइन मत लिख देना, बहुत अजीब हो जाएगा. आप लोग थोड़ा एक लाइन लिखे फिर दूसरे हैश में दूसरा लाइन वैसे कर करके लिखना, ठीक है? या फिर स्ट्रेट अवे वर्ड में लिख दो, नो इश्यूज. पार्ट थ्री, फिट द मोस्ट appropriate ARIMA model based on the results in part 2A, stating the equation of the model and justifying your choice. बताओ. दो चीज है. पहला कि दोनों कट ऑफ हो रहे हैं, ACF भी PACF भी. तो ARIMA AR भी नहीं है, MA भी नहीं है, सॉरी. नेक्स्ट हम लोग इसके लिए क्या बोल सकते हैं, स्टेशनैरिटी के लिए है. तो डी जो ARIMA का डी होता है वो भी जीरो होगा, है ना. अब इस केस में क्या हुआ था ना, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव है. तुम कुछ और बोल सकते हैं, मैं कुछ और बोल सकती हूँ. सम पीपल मे से दैट सिंस यहाँ पे PACF इज कटिंग ऑफ आफ्टर लैग थर्ड क्वार्टर बेसिकली, विच यू कैन ऑल्सो कंसिडर. हम लोग क्वार्टरली वर्क करते हैं, लेट्स सपोज, क्योंकि क्वार्टरली डेटा गिवन है. सो आफ्टर लैग थ्री PACF कट ऑफ हो जा रहा है, तो इट्स एन AR3 प्रोसेस. बहुत लोग ये भी बोल सकते हैं, बहुत लोग बोल सकते हैं कि MA भी मतलब ACF भी कट ऑफ हो रहा है, तो आपका ये MA प्रोसेस है, तो MA आप 4 ले लो, ठीक है. वो भी बोल सकते हैं. तो वट एवर जस्टिफिकेशन यू गिव, यू नीड टू, whatever ARIMA model you take, you need to justify it properly. अब इस question में थोड़ा trick था कि यहाँ दोनों ही cut off हो रहा था. तो हम लोग का एक function होता है ARIMA function, वो हम लोग fit ARIMA.fit हम लोग fit करते हैं to consumption and उससे अपने आप desired ARIMA निकल जाता है, ठीक है. ARIMA.fit आप लोग करते हो, as far as I remember ARIMA.fit ही था वो, ARIMA.sim नहीं. क्या था ना उसको फिट के लिए क्या लेते हैं, AR.fit. नहीं एक था जिससे आपको ARIMA का कौन सा मॉडल होगा शायद वो मिल जाता है. आई डोंट थिंक वैसा कोई फंक्शन है इन R. हाँ बट इफ यू गिव द सिमुलेशंस, आई थिंक देयर वाज वन फंक्शन, मुझे याद नहीं आ रहा, वो दोगे तो अपने आप दे विल गिव यू एन अप्रोप्रिएट फिट. ऑल्दो वी कैन नॉट यूज इट, आई डोंट थिंक आपके सिलेबस में है, मैंने कहीं और पढ़ा होगा टाइम सीरीज में अलग से, बट इसमें आई एम नॉट श्योर कि आपके सिलेबस में, मेरे को याद नहीं आ रहा वो चीज है कि नहीं. इसमें हम लोग को क्या करना होगा, अनदर अप्रोच इज कि हम लोग एक अपना गैस ले एंड हम लोग अब इस क्वेश्चन में जिस टर्म में एग्जाम था, इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर स्टक कि क्या ले. बट आप एक चीज नहीं समझो, ये खाली 5 मार्क्स का है, कुछ भी लो आगे बढ़ो, वापस आके चेंज कर देना. सो
इन्होंने इनके सोल्यूशन में आई थिंक दे हैव डन दे हैव टेकन AR3 प्रोसेस. इन्होंने बोला है कि PACF सीम्स टू कट ऑफ आफ्टर लैग 3 एज वी कैन सी ओवर हियर. अ रीजनेबल चॉइस इज AR3. नाउ अगेन दे हैव ऑल्सो मेंशन कि एनी मॉडल ऑफ अरिमा PDQ बट डी शुड नॉट बी एनी वैल्यू, डी शुड बी 0 क्योंकि वो स्टेशनरी आप लिख चुके हो. आप वो लिखने के बाद D1 ले लोगे तो गलत है और ये प्रोसेस कोई भी एंगल से नॉन स्टेशनरी लग नहीं रहा तो डी को इन्होंने 0 लिया. तो एनी मॉडल अरिमा P, 0, Q विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन वॉज गिवन द मार्क्स. हाँ देखो ऑटो अरिमा है फंक्शन का नाम. वेरी गुड. ऑटो अरिमा, ऑटो डॉट अरिमा इस फंक्शन से रिटर्न्स द बेस्ट अरिमा मॉडल. सो यहां एग्जाम में नहीं करना बट हम एक बार ट्राई करते हैं. खाली आप वैल्यूज दो एंड रन करो. सो देखो आपके इन्होंने दो मॉडल्स दिए हैं विथ नॉन जीरो मीन. एक इन्होंने दिया 202, एक इन्होंने दिया 200. ठीक है तो इसका इन्होंने AR1 AR2 दिया है, MA1 MA2 SAR SAR. ये सब हम लोग के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉग लाइक्लीहुड रेशियो AIC ये सब कुछ दिया है. तो अगेन ये चेक करके बट आई डोंट फील एग्जाम में आपको ये करना चाहिए बिकॉज आप कैसे एक्सप्लेन करोगे 200 को. 200 तो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा बिकॉज PACF कट ऑफ हो रहा है आफ्टर लैग 3. ठीक है तो ये एक है. आई डोंट मेरे को याद नहीं आ रहा है इफ दोज हु हैव डन टाइम सीरीज आप लोग अगर बता पाओ कि ये सिलेबस में हमने किया है कि नहीं क्लास में. तो अरिमा हम लोग क्या करेंगे बेसिकली सबसे पहले तो मॉडल बनाना है. तो मॉडल में डालो उसे. एक काम करते हैं TS.model लिख देते हैं टाइम सीरीज मॉडल. ठीक है अरिमा कंजम्पशन इसका नाम इसका फंक्शन देख लो कैसे यूज होता है. यू फर्स्ट गिव द एक्स वैल्यूज एंड देन यू गिव द ऑर्डर. ऑर्डर हियर इज नथिंग बट क्या PDQ 300 विद दिस वी आर यूजिंग व्हाट दे हैव आल्सो डन. अगर आपको कुछ और सिग्निफिकेंट लगे तो आप उसको भी कर सकते हो कोई इशू नहीं है. देख लो आपने खाली फर्स्ट स्टेप याद करो जो हमने बॉक्स जेनकिंस प्रोसेस किया था इफ यू ऑल रिमेम्बर. तो पहला स्टेप था स्टेशनरी वो सब तो था मेकिंग द मॉडल एंड ऑल दैट. फिर उसके बाद एक स्टेप था आइडेंटिफाई अरिमा PDQ एंड देन एस्टिमेट द पैरामीटर्स अल्फा बीटा है ना. अरिमा में आपको α1 α2 चाहिए होता है यस ऑर नो. और AR में और MA में क्या चाहिए होता है β1 β2 चाहिए होता है ना. अल्फा और बीटा का वैल्यू चाहिए होता है व्हेन यू राइट दैट मॉडल. तो वहां पे आपका ये AR1 है ये वाला, ये आपका AR2 है और ये आपका AR3 α1 α2 α3 है. एंड हम लोग बोलते हैं सिग्मा एरर टर्म्स फॉलोस नॉर्मल 0, σ² तो ये वो वाला σ² है. ठीक है अब इन्होंने एक और चीज बोला है कि आपको वो लिखना है पूरा मॉडल. तो आप कैसे लिखोगे YT या फिर XT भी लिख सकते हैं वेर XT इज द. तो आप ऐसे लिखो पहले आप एक म्यू लिखना चाहते हो आप म्यू लिखो. म्यू इज दिस इंटरसेप्ट. तो दिस म्यू प्लस XT-1 फिर क्या होगा दिस इंटू XT-2 ठीक है प्लस एरर टर्म लिख देना
नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ईटी ओके नेक्स्ट पार्ट फोर। अब बोला है द डेटा सेट एंड यूएस कंजम्पशन आल्सो कंटेन्स द इनकम, तो इसमें अब इनकम वाला ले लेंगे अपने। कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ अरीमा मॉडल यू हैव चोजन इन पार्ट थ्री विद द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ये पहले ले लो फिर उसको समझेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। ये जो मैं बोली थी ना डिफिकल्ट पार्ट था इस पेपर में, यही पार्ट फोर एंड पार्ट फाइव, यही दोनों डिफिकल्ट सबसे डिफिकल्ट पार्ट था ऑफ दिस पेपर। मतलब 15+15 30 मार्क्स। बाकी ऊपर पूरा कहीं भी किसी को अगर अच्छे से पढ़ा है तो एकदम क्रिस्प एकदम बेसिक। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही बेसिक, और ये क्वेश्चन मिस्टेक्स आर समथिंग डिफरेंट। बट यहाँ पे एंड स्पेसिफिकली ये वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है। एंड जैसे मैं बोलती हूँ एवरी पेपर पेपर एंड पेपर भी यू विल डेफिनेटली एक्सपेक्ट 30-35 मार्क्स विच विल बी वेरी डिफिकल्ट। ये वही 30 मार्क्स है। तो सबसे पहले क्या बोला है, कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ अरीमा। एक चीज समझो, टाइम सीरीज इज ऑल्सो अ मॉडल यूज टू फोकस द फ्यूचर कंजम्पशन वैल्यूज। और बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि जब हम लोग ये मॉडल बना रहे हैं इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ये हम लोग क्या करें, वी आर जस्ट टेकिंग द पास्ट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स इटसेल्फ। यहाँ कहीं भी आप कोई दूसरा वेरिएबल ले रहे हो क्या? कंजम्पशन में कोई आप इनकम या कुछ और ले रहे हो? इज इनकम कमिंग इन टू अकाउंट ओवर हियर व्हेन यू आर मेकिंग दिस मॉडल? ओनली द एक्सपेंडिचर पार्ट इज देयर। एक्सपेंडिचर जो पिछले साल क्या होता, उसके पिछले साल क्या होता, उसके पिछले साल क्या होता, तो इस साल क्या होगा, दैट्स इट। आर यू टेकिंग इन टू अकाउंट एनी अदर वेरिएबल लाइक यू डू इन लीनियर मॉडल? लीनियर मॉडल में वाई एंड एक्स लेते हैं, दो वेरिएबल्स लेते हैं, या एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स लेते हैं। बट यहाँ हम लोग ले रहे हैं, यहाँ वी आर नॉट टेकिंग, दिस इज द ओनली वेरिएबल दैट इज बीइंग असेस्ड, है ना। अब इसमें बोला है कंपेयर दिस अरीमा टू अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल ऑफ कंजम्पशन ऑन इनकम। मतलब हम लोग को अब लीनियर मॉडल बनाना है कंजम्पशन ऑन इनकम, मतलब ये वाई है और ये एक्स है। By computing, अब देखो पता है क्या हुआ था, सब लोग एग्जाम से निकले और सब लोग बोलते हैं कि हमने तो आर एम एस सी पढ़ा ही नहीं है। आपने मीन स्क्वायर एरर नहीं पढ़ा, उसका स्क्वायर रूट है। आप मीन स्क्वायर एरर तो सी एस वन में ही पढ़ लेते हो। सब मतलब आउट ऑफ 190 स्टूडेंट्स सेड हमने आर एम एस सी पढ़ा ही नहीं। और जैसे ही मैंने बोला मीन स्क्वायर एरर आपने नहीं पढ़ा, जैसे मैंने खाली सोचो, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने खाली ये पूछा था आपने क्या मीन स्क्वायर एरर नहीं पढ़ा, एंड ऑल ऑफ देम वर शॉक्ड कि हाँ हमने मीन स्क्वायर एरर तो पढ़ा है। जस्ट बिकॉज दे हैव रिटन दिस वर्ड रूट, सब कंफ्यूज हो गए कि आर एम एस सी क्या होता है। एंड एग्जाम में क्योंकि प्रेशर था, बट हाँ वो 10 बच्चे थे जिनको समझ में आ गया रीड करके। इट्स नथिंग बट द लीस्ट स्क्वायर अप्रोच दैट वी डू। मीन स्क्वायर एरर, एरर को आप क्या करते हो, मिनिमाइज करते हो स्क्वायर करके, सिंपल। फॉर द फिटेड वैल्यूज ऑफ ईच मॉडल, और आप लीनियर मॉडल जब एल एम फंक्शन लिख के रन करते हो आप क्या करते हो, जो आपका अल्फा बीटा का वैल्यूज आता है वो आर एम एस सी अप्रोच से ही तो आता है, लीस्ट स्क्वायर मेथड से ही तो आता है। पेस्ट योर कोडिंग एंड आर आउटपुट, तो वही बोला है कि इसको कंपेयर करो आपके इससे टाइम सीरीज से। तो कैसे कंपेयर करेंगे बताओ, द डेटा सेट ऑफ फंड कंजम्पशन ऑल्सो इंक्लूड्स क्वार्टरली पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दिया हुआ है। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू वन थिंग। हमने क्या किया है, हमने इसमें आपका अरीमा मॉडल फिट किया है। ये क्या, अब अरीमा मॉडल फिट करने के बाद वाई हैट जैसे एक्स हैट निकाल सकते हो इसको, चलो अगर मैं वाई मान लू, आप लोग को इजी रहेगा, तो क्या हम लोग वाई हैट ही तो निकालते हैं। फोरकास्टिंग कैसे करते हो, आपने मॉडल बनाया, मॉडल बनाया, पैरामीटर्स निकाले, अब उसके बाद फोरकास्टिंग करते हैं और फिर हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा फोरकास्ट अच्छा है,
बॉक्स जेनकिंस का यही प्रोसेस है. तो वाई हैट निकालना है, फिटेड वैल्यूज निकालने. तो फिटेड वैल्यूज हम लोग किसमें डालेंगे, फोरकास्ट वन में डाल दो. फिटेड फंक्शन जो हम लोगों ने, तुम लोगों ने लीनियर मॉडल्स में भी किया होगा ये, है ना. नाउ इसमें डाल दो मॉडल, ts डॉट मॉडल लिखा था क्या मैंने, ts डॉट मॉडल. ठीक है, तो इसमें आपके सारे फिटेड वैल्यूज आ गए. कितने फिटेड वैल्यूज आएंगे पता है, जितने एक्चुअल्स हैं उतने ही फिटेड आएंगे ना, वैसे ही होता है. जितना कितने हैं फिटेड वैल्यूज देख लो, कितने इयर्स हैं उसके अकॉर्डिंग इनटू फोर कर दो, 164. ठीक है, अब इसके बाद लीनियर मॉडल बनाओ. LM डॉट मॉडल कर देते हैं, वहां पे वैसे करा था. तो इसमें लिख दो LM कंजम्पशन, याद है तुम लोग को LM फंक्शन, टिल्ट इनकम. इनकम मेक श्योर तुम लोग ले लिया है. अभी दोनों ऐसे भी लिख सकते हो स्ट्रेट अवे, या डेटा US कंजम्पशन लिख सकते हो, नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर लिया है वैल्यूज. अगर नहीं किया है तो ऐसे करना है, बट एक्सट्रैक्ट हमने कर लिया है ऑलरेडी. ठीक है, फिटिंग लीनियर मॉडल एंड फोरकास्टिंग कर लो. फोरकास्ट टू फिटेड फंक्शन यूज कर लो, LM डॉट मॉडल. दो फिटेड वैल्यूज आ गए. अब कैसे निकालते आ रहे हैं ऐसी, वाई माइनस वाई हैट. एरर क्या होते हैं, y माइनस वाई हैट इज दिस, y माइनस वाई हैट होते हैं ना एरर, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड. y माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर एरर डिवाइडेड बाय n इज योर मीन स्क्वायर एरर, उसका रूट इज रूट मीन स्क्वायर एरर. ठीक है, तो n में ले लेते हैं लेंथ ऑफ फोरकास्ट 1, पता चल गया ना 164 है, वी न्यू इट. यू कैन ऑल्सो चेक इट फॉर 2, इट शुड मैच. ठीक है, इट्स 164 ओनली, सो यू कैन टेक एनी वन, डजेंट मैटर. अब आर एम एस सी डॉट टी एस, टी एस का आर एम एस सी निकालो. क्या बोला मैंने, एक्चुअल, एक्चुअल अपना किस में डाला हुआ है, कंजम्पशन, कंजम्पशन माइनस ये एक्चुअल हुआ ना, फिटेड कंजम्पशन फोरकास्ट फोर कास्ट वन. क्यों नहीं आया ये, ऐसे करने से, जो भी रीजन है छोड़ो, का स्क्वायर. अच्छा, इसका सम करना होगा, ये होता है स्क्वायर हो गया. अब इसका मीन लेने के लिए पूरे का सम डिवाइडेड बाय एन करेंगे, और फिर इसका पूरे का स्क्वायर रूट. यार में सीवा कोई डाउट है तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आस्क. ये TS का हो गया, उसको रन करो. एंड सेम यू डू फॉर जिसका कम होगा बेटर है कि जिसका ज्यादा होगा बेटर है, मीन स्क्वायर एरर जिसका कम होगा उसका बेटर है. तो किसका कम आ रहा है, अरीमा का कम आ रहा है. ठीक है, नाउ दैट डिपेंड्स विच अरीमा मॉडल यू हैव टेकन. पेस्ट योर कोडिंग एंड आर आउटपुट. तो ये हमने पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के लिए
ठीक है. नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है, एनीथिंग एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. पार्ट फोर का ए है ये. डबल ब्रैकेट हाँ हाँ कर सकते वैसे भी. यहां ब्रैकेट और यहां ब्रैकेट ना, हाँ कर सकते. अब देखो नेक्स्ट. एक्सप्लेन बाय आरएमएसई इज नॉट द आइडियल मेजर टू कंपेयर दीज मॉडल्स. इन जनरल नहीं बोल रहे हैं, ओनली इन दिस केस इंक्लूडिंग अ रिकमेंडेशन ऑफ मोर अप्रोप्रिएट मेजर. डू यू ऑल रिमेम्बर जीएलएम? डू यू रिमेम्बर लीनियर मॉडल? जीएलएम में आप क्या करते थे? एक और मेजर लेते थे, एआईसी लेते थे, याद है? एआईसी दो चीज लेते थे अपने, एक एआईसी लेते थे और एक आरएमएसई या फिर एआईसी मिनिमाइज करते हो, लाइक्लीहुड इंक्रीज करते हो, लाइक्लीहुड लेते थे या फिर, बट मोस्टली वी लाइक्लीहुड इज ऑल, सॉरी एडजस्टेड आर स्क्वायर लेते थे, एडजस्टेड आर स्क्वायर लेते थे या फिर अपने आरएमएसई, बाबा आरएमएसई बोल रही हूँ मैं, सॉरी अपने एआईसी लेते थे. एआईसी अपने क्या करते हैं, काइकेस इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया को मिनिमाइज एंड दैट वी हैव क्लियरली स्टडीड इन मशीन लर्निंग. एआईसी बीआईसी हमने पढ़ा है और एडजस्टेड आर स्क्वायर भी हमने पढ़ा है. एडजस्टेड आर स्क्वायर को हम मैक्सिमाइज करते थे. अब एडजस्टेड आर स्क्वायर ऑब्वियसली आपको टाइम सीरीज में नहीं मिलेगा, बट जब हमने अरीमा यहाँ पे रन किया था ऊपर तो हमें कुछ मिला था, एआईसी मिला था, हमें मिला था एआईसी और ये सब. तो सेम यहाँ पे लिखो इन पार्ट 4A, इन्होंने बोला है कि पहले बताओ ये क्यों अप्रोप्रिएट नहीं है. तो आप इसमें क्लियरली पहले सुन लो फिर लिखना. आप बोलोगे कि आरएमएसई दोनों का बहुत सिमिलर आ रहा है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि ये बेटर है, क्योंकि बहुत कम डिफरेंस है. विद दिस सो स्मॉल डिफरेंस यू कैन नॉट जज एंड यू कैन नॉट से कि आपका टीएस बेटर है. बट यू अब इन्होंने ऑल्टरनेटिव भी मांगा है, तो एआईसी निकाल लेंगे दोनों का, टी एस डॉट मॉडल का एंड आई थिंक कैसे नहीं निकलेगा, डॉलर करके निकलेगा. ए आई सी कोई फंक्शन शायद नहीं होता, डॉलर ए आई सी एंड एल एम डॉट मॉडल डॉलर. इसमें ए आई सी ऐसे नहीं निकालते, समरी करके शायद निकले, या फिर आई थिंक इसमें एआईसी वर्क करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है. एआईसी का हाँ तब भी नहीं वर्क किया, कैपिटल्स होगा. इसमें भी वर्क करेगा क्या? हाँ समरी करके भी कर सकता है कोई, स्मॉल ए नहीं आता होगा. ठीक है, तो पहले बहुत ही हैफिजर्ट हो गया, इसको हटा देती हूँ. बोलो किसका कमा रहे है? एलएम का कमा रहे है, तो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया. बट आइडियली कौन सा मॉडल आपका बेटर होना चाहिए? आपका आरएमएससी पैरामीटर्स किसमें कम है? अपने अरीमा में तीन पैरामीटर है, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो चार है क्योंकि सिग्मा भी है. चलो सिग्मा इग्नोर कर दो क्योंकि सिग्मा तो एलएम में भी है. एलएम में खाली एक ही पैरामीटर है बीटा, दो कैसे हो गया? इसको रन करो एलएम डॉट मॉडल को, इसमें अपना खाली चलो ठीक है इंटरसेप्ट और इनकम, तो वहां पे भी तो म्यू है, तो वहां पे चार पैरामीटर्स हो गए, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री एंड इंटरसेप्ट. यहाँ पे इंटरसेप्ट एंड बीटा दो, तो जितने ज्यादा पैरामीटर्स यू विल डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि उतना बेटर आएगा, है ना? अगेन दिस इज वेरी क्लोज, तो इसीलिए क्या कमेंट में लिखा है देखो, द आरएमएसी ऑफ दीज टू मॉडल्स आर वेरी सिमिलर, जो हमने बोला स्टार्टिंग में. हाउएवर एज लीनियर मॉडल्स हैव फ्यूअर पैरामीटर्स, इट इज लाइकली दैट लीनियर मॉडल लीनियर रिग्रेशन मॉडल विल बी अ मोर रिलायबल मॉडल फॉर फोरकास्टिंग. This is confirmed by AIC. AIC किसका कमाया? अपना लीनियर मॉडल का.
ठीक है. अब इन लोग बोल रहे हैं कि कम पैरामीटर इज मोर रिलायबल फॉर फोकास्टिंग, क्योंकि जितना कम पैरामीटर्स आप लेते हो उतना कॉम्प्लेक्सिटी तो कम होता है, ठीक है, आपका एरर भी उतना कम होने का चांस होता है बिकॉज आप प्रिडिक्ट करते हो ना हर एक पैरामीटर. अगेन ऑलवेज नॉट ट्रू, इन सम केसेस पैरामीटर इंक्रीज करने से आते हैं. तो अगेन इनका आंसर बहुत क्लियरली नहीं लिखा, बट इट डिपेंड्स ऑन द मॉडल. ठीक है, हम लोग कौन सा वो करते हैं, पार्सिमनी, प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी फॉलो करते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, क्योंकि बहुत सिमिलर आपका एआईसी आ रहा है, बहुत सिमिलर आरएमएसी आ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी अगर अप्लाई करें, वी शुड टेक लीनियर मॉडल कम पैरामीटर वाला, बिकॉज उससे आपका सेम आंसर आ रहा है, सिमिलर आंसर आ रहा है. However, the residuals of the linear model are not satisfactory as shown by the ACF and PACF. तो अब इन्होंने क्या किया है, ACF of residuals plot किया है. जैसे मैंने बोला it should be patternless, right? So हम लोग कैसे निकालते हैं residuals, resid function use करके, resid या residual same है, LM dot model, ठीक है, इसका बना लो, ये आपका residuals आ रहे हैं. अगेन इफ यू सी द रेसिडुअल्स, यहां डिक्रीज हुआ फिर यह इंक्रीज, अगर एक डीके होता है ग्रेजुअली तो आप बोलोगे इट्स फाइन, बट सिंस ये डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा है, इट्स नॉट वेरी सैटिस्फैक्ट्री. ये जरूरी नहीं कि आप लिखो, अगर आप एआईसी निकाल दे रहे हो इट्स मोर देन इनफ, एसीएफ इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, तो हम लोग खाली इतना कंक्लूड करेंगे, आरएमएससी सिमिलर था बट उसका हायर है. Another alternative is AIC, which is LM model का low. So according to principle of parsimony, हम लोग को LM model use करना चाहिए क्योंकि similar results हैं. Next बोल रहे हैं, an analyst has suggested that neither model model in part 4 is a good fit to the data. अब वो बोल रहे हैं कि दोनों ही fit सही नहीं है, and has asked you to propose an alternative. Suggest a suitable alternative model to fit the data. अब ये एक पार्ट था जो बहुत डिफिकल्ट था, जो आई फील स्टूडेंट्स ने किया भी नहीं था उतने अच्छे से, इज दैट हम लोग टाइम सीरीज और इसको दोनों मॉडल्स को मिक्स कर देंगे. तो हाँ, तो क्या लिखा है इन्होंने, इट सीम्स रीजनेबल टू कंसिडर अ रिग्रेशन मॉडल विद अरीमा विच एसेंशियली ब्लेंड्स द टू मॉडल्स. ठीक है, दोनों मॉडल साथ में लिखेंगे, फिट द मॉडल यू हैव सजेस्टेड इन अबव पार्ट स्टेटिंग द इक्वेशंस दैट यू हैव यूज्ड. अब यहां पे इफ यू गो एंड इफ यू ओपन अरीमा, तो अरीमा में देखो एक आपका ये है, क्या नाम है, पैरामीटर, एक आपका इनपुट है एक्स एक्स रेग, एक्स रेग क्या है, रीड करूं, ऑप्शनली यूज होता है, अ वेक्टर ऑफ और अ मैट्रिक्स ऑफ एक्सटर्नल रिग्रेसर्स विच मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ रूट्स. एक्सटर्नल रिग्रेसर मतलब आप क्या कर रहे हो, आप टाइम सीरीज ही बना रहे हो एक ही वेरिएबल के साथ, बट उसमें आप एक दूसरे चीज का अफेक्ट डाल रहे हो विच इज इनकम, विच इज नॉट देयर इन द सिलेबस, बट स्टिल दे गिव दिस क्वेश्चन इन पेपर बी. अब क्या होता है ना कि ऐसा क्वेश्चन वी माइट एक्सपेक्ट, बट I will not expect it for a 15 mark कि एकदम नया question आ जाए. We might expect something like this for at least like 5 to 10. In some papers there has been these kind of questions. तो इस case में same happens in CM2, CS2. These papers are now top level papers. ठीक है, तो यहाँ हम expect कर सकते हैं. अब क्या करेंगे, थोड़ा smart बनेंगे, क्योंकि ये question अब आप लोगों ने कर लिया. अब anything comes around modeling, आप लोग उसको कैसे अप्रोच करोगे, आप लोग देखोगे पहला एक मॉडल है, दूसरा एक मॉडल है, थर्ड नया मॉडल बोला है. इफ यू नो द आंसर ऑफ दैट थर्ड मॉडल इट्स वेल एंड गुड. फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग में वी नो कुछ नहीं होता, एंड में रैंडम फॉरेस्ट सबसे अच्छा रिजल्ट हम लोग को देगा ही देगा, बेटर देन बूस्टिंग, बेटर देन डिसीजन ट्री, बेटर देन लीनियर मॉडल और व्हाटएवर. ठीक है, अगर आपका कुछ ऐसा आ जाए जो पढ़ाई नहीं थ्योरी में, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एकदम ग्रे एरिया है, आप दो मॉडल मर्ज करो या आप एक थर्ड ऐसा मॉडल बनाओ, सैचुरेटेड मॉडल बना दिया, कुछ भी जो आपको उस समय कन्वीनियंट लगे, बट दो तीन सम्स कर लोगे माइंड खुल जाता है. क्या होता है ना कि अभी हम लोग बहुत कम सोचते हैं, बट आप नए सम्स करते हो तो आपका माइंड ओपन अप हो जाएगा टू न्यू क्वेश्चंस. तो अब ऐसा कोई नया क्वेश्चन आएगा ना, आपको डर नहीं लगेगा, आप सोचोगे
कि हाँ और क्या कर सकते अपने. तो ऑब्वियसली सिंस दिस वॉज द फर्स्ट पेपर भी स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड देन वर रियली शॉक्ड आफ्टर दिस क्वेश्चन, बट ऑल्दो प्रेपरेशन वॉज गुड मोस्ट ऑफ देम क्लियर्ड बिकॉज 70 marks फ्री गिफ्ट है. फ्री गिफ्ट है 70 marks अगर कोई पढ़ा है तो. एंड आरएमएससी वाला पार्ट भी थोड़ा बहुत कर लेंगे तो चलो मान लो 5-6 marks और मिल गया. तो पास तो बहुत लोग हुए थे, पासिंग मार्क्स वॉज ग्रेट एंड पीपल 55-54 वॉट एवर, एंड स्टूडेंट्स का परसेंटेज क्लियर होने का भी बहुत सही था. बट अगेन अपने को अपने एग्जाम पे फोकस करना है. कुछ ऐसा आया तो ये अप्रोच अपने को रखना है, डरना नहीं है. यू नीड टू थिंक कि आउट ऑफ द बॉक्स क्या हो सकता है. आसपास कुछ नहीं समझ में आए, थ्योरी से कुछ नहीं याद है, मतलब कुछ ग्रे एरिया वाला क्वेश्चन नहीं है, अंडरस्टूड? तो अपने ही अप्लाई करते हैं. चलो इसमें अपने लिख देंगे मॉडल, नया मॉडल है तो इसमें 3 लिख देते हैं. एंड अरिमा सेम चीज, कंजम्पशन कॉमा ऑर्डर हो गया आपका 3,0,0. अब बहुत लोगों ने इसमें पता क्या किया था, बहुत लोगों ने नया अरिमा मॉडल बना दिया था तो उसका कुछ तो मार्क्स मिलेगा ही, ऐसा नहीं कि जीरो मिलेगा. अरिमा 3,0 बनाया ना, बहुत लोगों ने क्या किया कि अरमा बना दिया 3,1, 2,1 कोई एक्सप्लेनेशन देके. दिस स्टिल गॉट द मार्क्स, नॉट फुल 15 बट एटलीस्ट मैं बोलती हूँ आई थिंक इन्होंने लिखा होगा इधर 2 marks आर अवॉर्डेड फॉर ईच ऑल्टरनेटिव रेलिवेंट कमेंट अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 8. लिखा नहीं है कुछ, बट आई क्रेडिट्स अवॉर्डेड व्हेनेवर ऑल्टरनेटिव सजेशन इज मेड. So any alternative suggestions you give, any alternative extension to above models, एक extension था आपने दूसरा अरिमा ले रहे हैं 3,1 अगर लेंगे तो we are adding one more parameter. So obviously will better result. ठीक है 3,0,1. Fitted model, linear model में ही आपके पास option नहीं है कोई नया add करने का because you don't have any other variable over here. Do you have? No, you don't have. तो यहाँ कोई option नहीं है linear model expand. GLM बना सकते हो, since you are in CS2, now you know GLM, so you can say linear model का underlying assumption होता है errors will follow normal distribution, आप GLM बना दो, that expansion you can still do, prefer and take some other family, ठीक है? तो वो चीजें हम कर सकते हैं, family में आप लेते हो exponential family ले लो या कुछ भी family ले लो, तो वो हम कर सकते हैं, उसका भी आपको marks मिलेगा. तो सोचने के लिए आप सोच बहुत कुछ सकते हो, जरूरी नहीं कि इन्होंने जो सोल्यूशन दिया कि दोनों मॉडल मर्ज कर दिया वही अल्टीमेट है. मैंने अरिमा भी एक्सपैंड किया, मैंने एलएम भी एक्सपैंड किया, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन भी आप कर सकते हो. क्लियर है ये चीज? तो मेक योरसेल्फ ओपन टू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस नाउ बिकॉज यू विल नेवर गेट अ सेम क्वेश्चन इन सीएम टू सीएस2. यू विल ऑलवेज गेट अ क्वेश्चन विच विल एक्चुअली असेस योर इंटेलिजेंस. CM1, CS1 is a struggle, जो आपका खाली वो चेक करते हैं, उसमें उतने ये सब टाइप के questions नहीं आते, बट अब आपको ऐसे मिलेंगे जो आपका actual intelligence भी चेक करेगा. तो XREG में दे देते हैं इनकम, ठीक है, इसको रन करते हैं. ऑब्जेक्ट इनकम मैंने रन नहीं किया, इनकम ठीक है. एंड इसका भी अपने AIC एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. कम आ रहे है क्या दोनों से? 318, 316 था, कम आया. इसका RMSC भी कर लूं, कम है, हो गई बिकॉज दैट इज वाई. अब अगर ये कम नहीं हो तो आपका मॉडल आपने गलत बनाया. अब हड़बड़ी में आप सबमिट कर दोगे, इट्स अ डिफरेंट थिंग. अच्छा हमने इसका फोकस नहीं निकाला है तो आई एम जस्ट स्ट्रेट अवे डूइंग फिटेड मॉडल 3, ठीक है, कब है. नहीं कर सकते ऑटो अरिमा यूज, आई डोंट थिंक तुम लोग के सिलेबस में है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, अगर तुम लोग ऑटो अरिमा यूज करोगे तुम लोग एक्सप्लेन कैसे करोगे कि दैट्स एन एक्सटेंशन एंड अ बेटर मॉडल देन व्हाट यू हैव टेकन, वो नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑटो अरिमा क्या है, इट्स नॉट एन एक्सटेंशन, इट्स अनदर फिट फॉर द सेम डेटा. दे वॉन्ट
a suitable alternative. Whenever they are saying suitable alternative, they want an extension to an existing model. Fitting Auto Arima is not an extension. It's just another model, Model 3. This is an extension. Clear hai? So, aapko RMSC, AIC se bhi samajh mein aa raha hai ki it's reducing. So, it's a good model and we have merged two models. We have taken time series plus we have taken one variable as well. ठीक है ना, इसको पेस्ट कर लोगे तुम लोग खुद से एंड मेक योर वर्ड फाइल्स रेडी. बोल हाँ, ये इनकम के साथ का है, प्लस इनकम करके होना चाहिए बट आई एम नॉट वेरी श्योर, ये मेरे को देखना पड़ेगा. इस वाले में भी ओके, बट इन्होंने लिखा है आंसर में, आई डोंट थिंक ये अपने लिख सकेंगे बिकॉज इट्स नॉट देयर. प्लस करके कर सकते हैं, प्लस 0.244 एक नया वेरिएबल x5, x4 या जो भी एक वेरिएबल ले लो, एक्स वन एक्स टू वट एवर. नहीं नहीं, एक्स टी माइनस फोर ही नहीं है, ये इनकम का वेरिएबल ही है. ये होना चाहिए अगर तुम वाई टी निकाल रहे, फॉर एग्जाम्पल आई फील इसका इक्वेशन कैसा होना चाहिए, वाई टी इक्वल्स म्यू, जो म्यू का वैल्यू है, प्लस अल्फा वन एक्स टी माइनस वन, एक्स टी माइनस टू, एक्स टी माइनस थ्री, प्लस तुम्हारा बीटा, ये वाला ले लो, इसको बीटा मान लो, एक्स टी, या फिर वो y था ना सारा वैल्यूज, y t माइनस वन, y t माइनस टू, y t माइनस थ्री, और ये हो गया x t, मतलब जो वैल्यू तुम्हारा t का तुम निकाल रहे वही वैल्यू का इनकम. बट अगेन आई डोंट थिंक इसका इक्वेशन हम सैटिस्फाई लिख पाएंगे बिकॉज हम लोग ने किया नहीं है ये. बट अगर तुम लोग दूसरा अरीमा करते, कुछ और एक्सटेंशन ऑफ अरीमा या फिर एक्सटेंशन ऑफ लीनियर मॉडल, उसका डेफिनेटली लिख पाते. बट आई विल सर्च फॉर दिस बिकॉज मुझे भी याद नहीं, मैंने टाइम सीरीज पढ़ा था बट मैंने काफी पहले पढ़ा था टाइम सीरीज, सो इवन आई एम नॉट वेरी श्योर, लाइक मैंने अलग से पाइथन में पढ़ा था टाइम सीरीज, तो आई विल लेट यू ऑल नो दैट. इसमें भी इन्होंने कहीं लिखा नहीं है एक्स रेग यूज करके. अच्छा लिखा है देखो, एक्स रेग टाइम, उसी को ले लिया उन्होंने, पर एक्स रेग में इधर इक्वेशन नहीं लिखा. आई चेक एंड लेट यू ऑल नो एक्सट्रैक्ट वाला पार्ट, बट नॉट देयर इन द सिलेबस, दे विल नेवर आस्क यू टू स्टेट. यहाँ थोड़ा फर्स्ट पेपर था, इट वॉज अ लिटिल हैफजर्ड बट ठीक है. ओके, तो लेट्स डू इट टिल हियर, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट पेपर. चलो बाय बाय.